हेलो एवरीवन, आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मिस अनुजा वरे जी, जो एक बेहतरीन आर्टिस्ट भी है बट इसके साथ ही बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। और आपको आज बहुत सारी चीजें उनसे सीखने मिलने वाली है, स्पेशली जो डिजाइनिंग रिलेटेड फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे निफ्ट हो गया या एनआईडी हो गया। बिकॉज रिसेंटली आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हर कि रिसेंटली उन्होंने निफ्ट का जो एग्जाम होता है वो क्रैक किया है। सिर्फ क्रैक नहीं किया है, जिसके अंदर अराउंड 40,000 स्टूडेंट हर साल वो एग्जाम देते हैं, और वहां पर 4517 मतलब 4,570 स्टूडेंट उसको क्रैक करते हैं। उसमें से इन्होंने 32 रैंक लाया है। तो ऑल इंडिया में से 32 रैंक लाना, इट्स नॉट अ जोक। इसके लिए उन्होंने क्या मेहनत की है, किस तरह से की है, तो ये सारी चीजें आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे, बचपन से लेके आज तक। और स्पेशली ये एग्जाम क्रैक करने के लिए उन्होंने क्या इस तरह का स्टडी किया है या क्या प्रैक्टिसेस की है, जिससे आप लोगों को डेफिनेटली इसमें हेल्प मिलेगी। सो वेलकम अनुजा वरे जी यूट्यूब चैनल पे। और डेफिनेटली जिनको ये अच्छा लगा वीडियो, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर भी करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो अनुजा जी, आप छोटा सा इंट्रो अपना वहां से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुजा वरे। आई हैव बीन डूइंग आर्ट रिलेटेड थिंग्स सिंस एवर सिंस माय चाइल्डहुड, एंड सो इट हैज ऑलवेज बीन देयर टू गाइड मी। आई हैव जस्ट पास्ड आउट ऑफ 12th स्टैंडर्ड एंड आई एम परस्यूइंग डिजाइनिंग। फॉर द लास्ट 2 इयर्स आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिजाइनिंग एंड नाउ आई हैव क्रैक्ड निफ्ट एंड आई एम अवेटिंग माय कैंपस अलॉटमेंट। स्टार्ट करते हैं आपके बचपन से। कहाँ से आर्ट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ और पेरेंट्स ने किस तरह से उसको सपोर्ट किया? बेसिकली कब से आपने, कौन से एज से शुरू करना चाहिए अगर इस तरह का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो, और क्या उसमें आपने सीखा एग्जैक्टली, क्या प्रैक्टिसेस की है? मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, और मेरे एकदम बचपन से मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी सर की। मतलब मैं 4 साल की थी तब से सर मुझे पढ़ा रहे हैं, और जितना तुम अर्ली स्टार्ट करो उतना तुम्हारा हैंड इसमें फ्री होता है और उतना तुम्हारा प्रैक्टिस ज़्यादा होता है। बट इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट। जब भी आपका मन करे आपने स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी हॉबी भी है, बहुत रिलैक्सिंग हॉबी है, एंड नॉट ओनली हॉबी कैन ऑल्सो बिकम अ करियर एट सम पॉइंट ऑफ योर टाइम। तो इट्स मतलब मुझे बचपन से उसकी उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था आर्ट का। बचपन में भी प्राइमरी स्कूल में ऑल 5 ईयर्स मैंने लोकमत ऑफ सेजर से पार्टिसिपेट किया था, और सिर्फ आर्ट रिलेटेड अपना फाइन आर्ट छोड़ के भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है अपनी पर्सनैलिटी में ये सब पार्टिसिपेट करने के बाद। That's good. So, 4 साल से आपने बोला कि जर्नी स्टार्ट की और वो चली आई थिंक 10th 12th स्टैंडर्ड तक, राइट? मतलब वो फील्ड आपने छोड़ा नहीं, भले ही आपकी जो भी पढ़ाई हो, आप बेसिकली यू आर फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड, राइट? बट फिर भी उसका यस स्टडी को भी मैनेज करते हुए आपने आर्ट एज एन हॉबी कंसिस्टेंसी रखा 10 से 12 साल। दोस्तों, इट्स नॉट अ जोक, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, आपका 10th हो 12th हो या जो भी हो, वो सारी चीजें भी साइमल्टेनियसली चलती है, बट एज एन हॉबी एज एन प्रैक्टिस आपको आर्ट को भी साथ में लेके चलना है, तभी जाके इस तरह के रिजल्ट आप ला सकते हो, राइट? और सेकेंड क्वेश्चन इज कि आपके पेरेंट्स दोनों भी डॉक्टर हैं, राइट? पापा का तो काफी अच्छा रेडियोलॉजिस्ट का हॉस्पिटल है, दैट आई नो। मॉम भी बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर है, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है, और आई थिंक अभी आपकी सिस्टर भी डॉक्टर बनने वाले हैं, राइट? सो ओवरऑल फैमिली में सारे डॉक्टर है। वहां से कहीं से अपोज नहीं आया, और आपने कैसे चूज किया कि मुझे आर्ट में ही करियर करना है? मुझे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कॉलेज इंटरव्यूज वगैरह में भी, कि सारे तुम्हारा फैमिली पूरा बैकग्राउंड डॉक्टर है, मेरी बहन अभी सेकंड ईयर में है, तो सब लोग डॉक्टर्स बैकग्राउंड रहा है मेरे फैमिली में। आई थिंक बाय डिफॉल्ट मेरा जो डिसाइडेड था मतलब एकदम 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में, वो भी डॉक्टर के एरिया में था। और उसके सेकंड मेरा था आर्किटेक्चर, क्योंकि मेरा मैथ्स मुझे बहुत पसंद था एज अ सब्जेक्ट, एंड इवन आर्ट ऑफ कोर्स मुझे पसंद था, सो बाय डिफॉल्ट दैट बिकम्स आर्किटेक्चर। तो मुझे लगा कि आर्किटेक्चर करूंगी मैं, लेकिन जब थोड़ा सा और रिसर्च किया मैंने, थोड़ा और उससे बात की, तो रियलाइज की डिजाइनिंग इज वॉट आई रियली वॉन्ट टू डू। थोड़ा रिसर्च करेंगे आप तो आपको पता चलेगा आपको क्या पसंद है। और जहाँ तक बात आती है कि सपोर्ट था कि नहीं, तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे पेरेंट्स का, मेरे सिबलिंग का और मेरी पूरी फैमिली का। सब लोग बहुत वेलकम करते हैं ये चेंज, कि कोई कुछ नया कर रहा है हमारे फैमिली में, एंड सब बहुत बट ज़्यादा कहीं सपोर्टिव तो मॉम डैड ने बोला होगा, डैड ने बोला होगा है। कि मेरा अपना हॉस्पिटल का पूरा सेटअप है, अगर उससे रिलेटेड कुछ करते हो तो आगे चल के स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, राइट? एक सेटल लाइफ हो जाती है। तो वो कहीं पर आया नहीं पेरेंट्स के थ्रू, या आपको भी नहीं लगा ऐसे कि यार ये सही कह रहे हैं?
ऑफकोर्स मतलब पेरेंट्स को वरी रहता है कि कुछ नया है, उनको पता नहीं, मुझे ज्यादा पता नहीं इस फील्ड के बारे में, तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा वरीड थे वो लोग। लेकिन 11th स्टैंडर्ड की स्टार्टिंग में या फिर 10th के एंडिंग में जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे डिजाइनिंग ही करना है, तो खुद के आइडिया में कन्विक्शन होना चाहिए और पता होना चाहिए फॉर श्योर कि आपको ये करना है, इसका पाथवे क्या है। एक्चुअली 11th की स्टार्टिंग में जब मैंने डिसाइड किया था, तब तो मैंने अपने पेरेंट्स को बिठा के सब अच्छे से समझाया था कि इसके क्या 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 स्कोप है, इससे क्या क्या हो सकता है मेरे करियर में। तो अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस है तो बाकी लोगों को कन्विंस आप इजीली कर सकते हैं। आपने ना एक साथ बहुत सारे पॉइंट्स बोल दिए, मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाहूंगा। सबसे पहले आपने बोला था कि आपने बहुत सारा रिसर्च किया, राइट? तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इससे ना डेफिनेटली स्टूडेंट को भी बेनिफिट होगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, उनको आर्ट के आर्ट में कुछ करना भी होता है तो मैक्सिमम कोई भी सजेस्ट करता है आर्किटेक्ट करो, उससे ऊपर कोई जाता नहीं है, राइट? मतलब अभी भी इंडिया में वो ट्रेंड है कि पापा आर्ट में अच्छा है आपका बेटा बेटी, आप आर्किटेक्चर फील्ड में जाओ। तो आपने एक वर्ड यूज किया कि आपको आपने रिसर्च किया, तो किस टाइप का रिसर्च किया जिससे स्टूडेंट समझ सके कि ये रिसर्च करने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर ये फील्ड में जाना है। तो क्या वो रिसर्च था एग्जैक्टली, और हाउ यू क्रैक दैट? आपने हेल्प लिया किसी का या सिंपली गूगल किया, या क्या उसका मेथड था? मेरा बैकग्राउंड रिसर्च मेरे यूट्यूब बेस पे भी था, मतलब बहुत लोगों की वीडियोस देखना वगैरह। कि सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव जो रिसर्च का मेरा पार्ट था वो था लोगों से बात करना, जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने तो फाइन आर्ट्स किया है या आर्किटेक्चर कर रहे हैं या फिर डिजाइनिंग कर रहे हैं, उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस सुन के बहुत ज्यादा इंसाइटफुल होता है वो, ताकि हम जान पाए कि एग्जैक्टली क्या होता है। और स्पेशली थोड़े से और सीनियर्स ये सीनियर्स मतलब स्कूल के फ्रेंड्स, राइट? स्कूल के या कॉलेज के सीनियर्स? ओके, ठीक है। तो हाँ वो वहां से सो आपने स्पेशली इंस्पिरेशन लिया, फर्स्ट। यस सेकंड, वीडियोस भी सेकंड देखा। गूगल आर्टिकल्स पढ़ के वीडियोस पर देख के। अच्छा, मतलब गूगल पे इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप देख सकते हो। यूट्यूब पे भी इससे रिलेटेड जो भी फील्ड करना है उसकी वीडियोस, बट ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस होते हैं, राइट? फिर उसमें से पर्टिकुलर ऐसे चूज कैसे करना होता है कि ये फील्ड करने के बाद एग्जैक्टली ये करियर है या ये ऑप्शंस है, ऐसे मिलता जो है लोग आई थिंक इजीली? इजी नहीं है इतना ढूंढना, क्योंकि मुझे बहुत सारे वीडियोस देखने पड़े टू गेट रियल इन्फॉर्मेशन। लेकिन आप ट्राई करते रहिए, और यूट्यूब पे बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल है यूट्यूब, उस पे आप जो भी ढूंढेंगे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स अभी कॉलेज में है या फिर कॉलेज पास आउट होकर अभी जॉब कर रहे हैं, इनके एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा भी मैंने 11th और 12th में बहुत सारे कैंपसेस एक्चुअली विजिट किए इन पर्सन, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पे इन फिजिकल आई कैन मीट देम, तो मैंने तभी बहुत लोगों से बात की। ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है दोस्तों। अगर आप पर्टिकुलर कोई कॉलेज के बारे में रिसर्च कर रहे हो तो आप उस कॉलेज में जाइए। जैसे उन्होंने निफ्ट करना या एनआईडी करने का सोचा, तो वहां पर निफ्ट के कॉलेज में जाके उन्होंने एक्चुअल कैंपस देखा, वहां पर जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनसे बात किया, और वहां से भी उनसे इंफॉर्मेशन गैदर की कि क्या एग्जैक्टली स्टेप होते हैं क्रैक करने के, प्लस सिलेबस क्या होता है और इसमें करियर ऑप्शंस क्या है, राइट? और मोस्ट प्रोबेबली पेरेंट्स को भी साथ में लेकर गए होंगे, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। दैट इज अगेन द प्लस पॉइंट कि आपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर पाए, राइट? तो दिस इज द प्रोसेस एग्जैक्टली टू डिसाइड योर निश। ओके, आपने सेकेंड पॉइंट बोला कि पेरेंट्स को बिठा के आपने समझाया, उनको कन्विंस किया, उनको बहुत सारी चीजें बताई। तो ऐसे क्या चीजें बताई, मैं भी जानना चाहता हूँ, जिससे पेरेंट्स इजिली कन्विंस हो गए? पेरेंट्स के कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो वरीड रहते हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट इज हाउ विल यू अर्न योर ब्रेड एंड बटर, हाउ विल यू बी एबल टू सस्टेन योरसेल्फ इंडिपेंडेंटली, वो तो रहता है ये सारे पेरेंट्स का। फिर सेकेंड चीज है कि कॉलेज कहाँ है, लोकेशन वाइज क्या है, कितना एस्टेब्लिश्ड है ये कॉलेज, या फिर ऐसे ही तो ये रैंडम कॉलेज में जाने की इच्छा है, तो ऑफकोर्स पेरेंट्स तो वरिड रहते ही है। तो पहले उनको मैंने समझाया व्हाट इज डिजाइनिंग एज अ फील्ड, उसका स्कोप क्या है, उसके क्या लिमिटेशंस क्या है, समझाया वो जानना स्पेशली चाहता डिजाइनिंग हूं मैं के बारे में ज्यादा पसंद है कि इट इज वेरी इंटरडिसिप्लिनरी। मतलब आपने एक चीज में अगर आपका कोर्स किया है फिर भी आप कुछ और कर सकते हैं, तो आप एक डब्बे में बंद नहीं हो जाते हैं, इट्स वेरी ओपन, तो आपके ऑप्शंस हमेशा ओपन रहते हैं। उन्होंने मैंने उनको वो समझाया। फिर डिजाइनिंग इज ऑल्सो जस्ट अ वेरी ब्यूटिफुल फील्ड, आई थिंक इट इज वॉट आई वुड एंजॉय डूइंग द मोस्ट इन माई लाइफ, एंड आई थिंक इवन सेटिस्फैक्शन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फाइनेंशियल क्वेश्चन को छोड़ के भी, तो वो एक पॉइंट था। और फिर कॉलेजेस कितने एस्टेब्लिश्ड है, तो फिर निफ्ट एनआईडी इट इज ऑल अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, सो वी बहुत राइट, इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए सोचते हैं। एग्जैक्टली।
आपने अभी ना बोलते बोलते बहुत प्यारी चीज बोली है, लाइफ में सैटिस्फैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। और ये इस उम्र में सोचना दोस्तों, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिकॉज इस तरह के थॉट प्रोसेस अगर आपके लाइफ में हो तो डेफिनेटली आपको ग्रो करना बहुत आसान हो जाता है। और आई मस्ट से कि अगर ये थॉट प्रोसेस आपके माइंड में हो तो जो लोग पैसों की रैट रेस लगी हुई है उससे आप हटके थोड़ा सा खुद को जानने लगते हो, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए आप काम करते हो, और वो दैट इज मोर गोज टूवर्ड द हैप्पीनेस, राइट? बिकॉज वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसी इंसिडेंट थे, क्या ऐसी चीजें थी, मतलब 8th में आपने बोला 8th में सडनली आपने डिसाइड किया कि अभी मुझे डिजाइन ही करना है, राइट? तो वो रिसर्च वगैरह आपने तो किया, पर पर्टिकुलर ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ जहां से लगा कि नहीं अभी पूरा लाइफ का ट्रैक ही चेंज हो गया? आपने बीच में बोला कि आपने सोच भी रहे थे डॉक्टर या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ करने का, बट ऐसे अचानक से क्या हो गया कि आपने सडनली डिसाइड किया कि नहीं डिजाइनिंग या आर्ट रिलेटेड फील्ड में जाते हैं? व्हाट वाज दैट पॉइंट? उसको दो पार्ट थे, एक वो सडन था मोमेंट और एक थोड़ा सा स्लो उसका ग्रेजुअल बिल्डअप था। तो स्लो ग्रेजुअल बिल्डअप में मतलब बचपन से क्लासेस कर रही थी मैं, और फिर आई थिंक 7th 8th में स्पेशली एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के टाइम सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि ये सीरियसली ले सकते हो, ये सीरियसली करना है, इसका स्कोप है। तो तभी मुझे बहुत लगा कि हाँ इट इज अ एस्टेब्लिश्ड फील्ड, तो इसमें कुछ कर सकती हूँ मैं। और जो डिफाइनिंग मोमेंट था, एक लॉकडाउन चालू था तब जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, तब मुझे बहुत सोचने का टाइम मिल रहा था कि अभी 10th तो ठीक है, अभी 10th खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करूंगी मैं, कौन सा साइंस कॉमर्स आर्ट्स, उसके आगे क्या करना है एग्जैक्टली करियर में। तो तब मुझे बहुत टाइम मिला सोचने के लिए। अगेन मैंने बहुत लोगों से बात की, स्पेशली लाइक काउंसिलर्स और गाइडेंस काउंसिलर्स। उसमें से एक काउंसिलर ने मुझे बताया था कि देर इज समथिंग कॉल्ड डिजाइनिंग, सो जस्ट ओपनिंग वो कि कुछ होता है डिजाइनिंग करके, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट था। फिर मैंने और उसपे रिसर्च की और फिर मैंने डिसाइड किया कि डिजाइनिंग इज द वे टू गो। That's great. तो डिजाइनिंग में आप एग्जैक्टली कौन से डिजाइनिंग के लिए अभी जा रहे हो? आपका एडमिशन हो गया कंफर्म? अभी अभी आर अवेटिंग, अभी राउंड वन शुरू होगा निफ्ट का, तो मेरा ओके फर्स्ट प्रेफरेंस है फैशन कम्युनिकेशन इन निफ्ट बैंगलोर। ओके, सो बेसिकली यू आर बिकमिंग फैशन डिजाइनर, राइट? दैट्स यस ग्रेट। सर। ओके, सो आपने और भी बहुत सारे मीडिया सीखे। अभी बात करते हैं, आप 10th तक आपने बता दिया कि किस तरह से आपने प्रिपेयर किया, बचपन से ही स्टार्ट किया। सो 11th 12th में, 10th तक जो भी आप आर्ट का प्रैक्टिसेस करते हो डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने पे, बट 11th 12th में ऐसी कौन सी एग्जैक्टली पढ़ाई की आपने जिससे सिर्फ आपने वो एग्जाम नहीं क्रैक किया, 4,000 सीट्स में नहीं आए, सीधा 32 नंबर पे जंप कर दिया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, राइट? ऑल इंडिया से 40,000 स्टूडेंट में से 32 रैंक लेकर आना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो उसके लिए क्या एग्जैक्टली वो धागे कैसे जोड़े, और इसमें फिर आपका 11th 12th का भी सिलेबस पे कितना फोकस किया, और ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ी, और उसका प्रॉपर प्रोसेस क्या था स्टेप वाइज? हाँ आई थिंक 11th 12th बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग टाइम होता है, क्योंकि अभी कौन सी फील्ड चूज करनी हो उसका डिफिकल्ट पढ़ाई होता है। फिर डिजाइनिंग में भी बहुत सारा आता है, एप्टीट्यूड आता है, जीके आता है, ड्राइंग एबिलिटी आती है, सेकेंड राउंड की स्टूडियो टेस्ट के लिए मॉडल मेकिंग आता है, तो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा पीसीएम, इवन तो पीसीएम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था मैंने जितना देना चाहिए था, फिर भी मतलब मैं क्लासेस करती थी रेगुलरली और ध्यान देती थी मैं क्लासेस तो में। आपको एक मिनट तो में टोकना चाहूंगा, यहाँ पर आपको 12th में साइंस लेना जरूरी है अगर निफ्ट में एडमिशन लेना है, कि कॉमर्स या आर्ट्स भी चलता है? निफ्ट के लिए एनीथिंग इज फाइन, कॉमर्स साइंस आर्ट्स। सिर्फ आई थिंक ओके एक कोर्स के लिए मास्टर्स में साइंस बैकग्राउंड इज इम्पॉर्टेंट, वो मतलब बहुत टेक्निकल डिटेल है बस। अच्छा, तो सबको बता दूं कि जरूरी नहीं है आपने साइंस ही लेना चाहिए, इफ यू आर नॉट गुड इन फिजिक्स पीसीएम सो यू कैन गो फॉर आर्ट्स और कॉमर्स के लिए भी जा सकते हैं, बट आई थिंक एनआईडी और आर्किटेक्चर फील्ड में सिर्फ ऐसा है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स साइंस बैकग्राउंड से चाहिए, तो आपके बैक ऑफ द माइंड शायद वो भी होगा रीजन कि आपने साइंस चूज किया, राइट? ये मैंने क्लियर बीसीएम लिया था? था क्योंकि नहीं, मैंने आर्किटेक्चर रखने के लिए भी चूज किया था, और एक अच्छा स्पेसिफिक कॉलेज है सेक्ट अहमदाबाद में, उसमें भी ओके डिजाइनिंग है, दे ओनली टेक साइंस स्टूडेंट्स। ओह दैट्स ग्रेट, तो ऐसे भी होता है, तो साइंस इज एडवांटेज। ओके, तो आपने साइंस चूज किया और यस आपकी जर्नी स्टार्ट की, फिर आर्ट, अभी इसमें आर्ट का पोर्शन कितना होता है
और ये पीसीएम का कितना लगता है, और एप्टीट्यूड टेस्ट या स्टूडियो टेस्ट, और इसका पोर्शन कितना होता है? अभी अगर मैं नेट की बात करूँ तो उसमें बोर्ड्स का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. तो देर इज बोर्ड्स आपको सिर्फ बेसिकली पास करना है विद अ डिसेंट परसेंटेज. लेकिन उसमें परसेंटेज वाइज ड्राइंग का परसेंट होता है 50%, एप्टीट्यूड और जीके का परसेंट आता है 30%, एंड मॉडल मेकिंग इज 20%. ओके, मॉडल मेकिंग इज अगेन रिलेटेड टू द आर्ट ओनली, राइट? क्राफ्ट रिलेटेड, और उसको कलरिंग वगैरह जो भी होता है चीजें यूज करके आपको कुछ बनाना होता है वो दे देते हैं, या हमें लेकर जानी होती है, तो वो भी एक आर्ट का ही पार्ट हो गया। और 50% आपने आर्ट बोला, मतलब अराउंड 70% आई कंसिडर की आर्ट रिलेटेड है, और 30% जो पार्ट है वो जीके और आपका बेसिक पीसीएम के शायद से थोड़े बहुत क्वेश्चन भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे, कि वो बिल्कुल नहीं होता है उसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम में। मतलब सिंस आप कौन से भी बैकग्राउंड से आ सकते हैं, डायरेक्टली पीसीएम नहीं होता है. ज्यादा अच्छा, 10th स्टैंडर्ड तक का हाई स्कूल मैथ्स तक आता है, ज्यादा ओके, डिफिकल्ट टेंथ नहीं रहता है. का ही है, तो उसमें 11, 12 का बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो और ये सेम बात लास्ट टाइम जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने भी बताया था, अदिति भंडारी बोल के, कि आपके 10th और 12th के मार्क्स निफ्ट एनआईडी कहीं पर काउंट ही नहीं होते, यू जस्ट नीड द पास क्लास, राइट? और आजकल मैं देखता हूँ यस पेरेंट्स 10th और 12th को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि आर्ट छोड़ देते हैं। अभी रिसेंटली कल ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हुआ, पेरेंट्स से, तो उनकी बेटी का 10th है इसलिए वो आर्ट छोड़ना चाहते हैं। मैंने बहुत अच्छे से कन्विंस किया उनको कि नहीं, आपको आर्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि फ्यूचर में आप, उन्होंने डिसाइड किया कि आर्ट रिलेटेड ही करियर करना है। तो फिर वो 10th और 12th के मार्क्स ही अगर कहीं पर काउंट नहीं होते दोस्तों, तो आपको आर्ट नहीं छोड़ना है, ओके? वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी अनुजा जी ने भी बोला कि 11, 12, 10th के मार्क्स कहीं काउंट नहीं होते, यू जस्ट नीड द पास क्लास, मतलब आपको सिर्फ पास होना है और उतना ही आपके लिए काफी है। सो आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद फिर आपने ये आर्ट का जो बोला, मतलब जीके का प्रैक्टिस किस तरह से किया फिर आपने, आपने 11, 12th के लिए, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग अगेन, बट 11, 12th के लिए फिर ट्यूशंस लगाए थे आपने, कॉलेज रेगुलर कर रहे थे कि कैसे? मैंने गाइडेंस तो लिया ही था. मतलब ऑफ कोर्स गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. और 11th 12th के लिए मैं SB कॉलेज में थी, वहाँ पे अटेंड किया है मैंने रिसेंटली. अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा कॉलेज नहीं जाना पड़ता है, बट उसकी फिर पीसीएम की ट्यूशन लगाने की जरूरत पड़ी कि वो पढ़ाई आपने अपने आप कर ली, कोचिंग लेना उसमें पड़ा भी उसके लिए? मतलब हाँ मतलब 11th 12th की पढ़ाई थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट होती है पीसीएम की, तो मैंने क्लासेस लगाए थे उसके लिए. अच्छा, उसके लिए मतलब एक 2-3 आवर्स, 4 आवर्स अप्रोक्सीमेटली दिन का आप 4 घंटे उसके लिए दे रहे थे। अभी इसमें से जीके के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, और उसमें कौन से बुक्स है, या कहाँ से उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है? आई थिंक जीके के दो पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक. तो स्टैटिक मतलब आपको वो पढ़ के रखना पड़ता है, आर्ट फॉर्म्स, डांसेस वगैरह. उसके लिए बहुत सुंदर नोट्स बनाइए, बस उसे उसे एकदम आराम से पढ़िए. बस जो करंट जीके रहता है उसके लिए न्यूज़पेपर रोज पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा अप टू डेट रहना पड़ता है. लेकिन जीके से ज्यादा मुझे लगता है स्कोरिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, क्योंकि आप उसे क्वान्टिफाई कर सकते हैं कितना क्वेश्चन है आपको कितना आता है. जीके बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है, इसलिए इट इज रेगुलर प्रैक्टिस की आपको पढ़ना पड़ता है वो. ओके, सो स्टूडेंट जो देख रहे हैं उन्होंने बता दूं कि जैसे कि बताया अभी इन्होंने कि न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत करंट अफेयर के बारे में, न्यूज़ के बारे में भी जानना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग, आपको कुछ रेडीमेड नोट्स मिलेंगे मार्केट में, जो कि रिलेटेड रहेगा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, और आर्ट से रिलेटेड, डांस फील्ड से रिलेटेड, कंप्यूटर नॉलेज भी शायद से उसमें होगा, जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, उसका भी थोड़े बहुत एक आध दो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको बुकिश नॉलेज जो बोलते हैं वो करना पड़ेगा। और एप्टीट्यूड में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं एग्जैक्टली? उसके बहुत टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन मतलब 10th स्टैंडर्ड तक बेसिक मैथ्स ही रहता है. मतलब प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ट्रेन्स एंड अच्छा, बोर्ड्स, नॉट ओके, ये ज्यादा डिफिकल्ट, लेकिन एप्टीट्यूड बेसिक. मतलब पूरा फर्स्ट से लेके 8 to 10 तक का सिलेबस, और एक हाथ दो क्वेश्चन शायद से 11, 12 के भी आ सकते हैं, राइट? सो बेसिकली 10th तक का। काफी पार्ट अच्छा, इंग्लिश भी होता है और पीसीएम, तीनों सब्जेक्ट का मिला के एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, जिससे वो मार्क्स भी उसके अंदर काउंट होते हैं। तो जीके और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आप ये चीजों का प्रैक्टिस करिए। अब आते हैं आपकी बेसिक जो ड्राइंग का होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और उसका प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना होता है? तो ड्राइंग के बहुत ज्यादा क्रिएटिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है अपना. उसके अलावा अगर आपका हैंडलिंग स्किल अच्छा हो तो आपको एडवांटेज मिलता ही है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके आइडियाज होते हैं. तो आप जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपके आइडियाज फोरफ्रंट पे आने चाहिए,
और फिर टेक्निकल स्किल आप डेवलप करते रहे 2 सालों में। अभी आपने दो तीन चीजें बताई है, एक तो टेक्निकल स्किल डेवलप करना है। अब ये टेक्निकल स्किल डेवलप करना मतलब एग्जैक्टली क्या उसमें सीखना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, तो जैसे अगर कलर डॉट टॉपिक्स, पेंसिल? हाँ कलर पेंसिल ही रहता है, देयर इज नो वेट मीडियम अलाउड राइट हमारे एग्जाम, तो उसमें राइट राइट कलर पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कलर पेंसिल एज वेल एज ग्राफिक पेंसिल्स, ग्राफाइट ग्रेफाइट पेंसिल। सो पेंसिल। बेसिकली जो पेंसिल शेडिंग होता है, नॉर्मल पेंसिल शेडिंग, पेन रेंडरिंग शायद से थोड़ा बहुत, और कलर पेंसिल, ये दो तीन मीडियाज पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, इस पे आपको काम करते रहना है। और सेकंड उसके बाद उसके अलावा मतलब टॉपिक्स लू तो पोस्टर डिजाइन आता है, 2D ड्राइंग आता है, 2D इलस्ट्रेशन, अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन क्वेश्चंस आते हैं, फिर बहुत थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट करते हैं वो। ये बहुत एकेडमिक हो गया, अभी जो एग्जाम में आता है वही। अच्छा अच्छा ये सिलेबस जो है इसमें स्किल्स जो डेवलप करने आपको, मीडिया सीखना है वो तो सीखा जा सकता है राइट, बट जो आपने बोला कि क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना है, आपके ओन आइडियाज होने चाहिए, उसके प्रैक्टिसेस के लिए किस तरह से उसको क्रैक किया जाता है, या उसके प्रैक्टिसेस के लिए स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए? आई थिंक मेरे इम्पोर्टेंट पार्ट था पेपर सॉल्व करना, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो भी रिसोर्सेस मिले मैंने सॉल्व किए वो, तो वो सॉल्व करने टाइम जो आप बैठते हैं वो आइडियाज सोचने के लिए, तब आपको अपना पहला आइडिया नहीं पकड़ना है डायरेक्टली, जो आया दिमाग में वो ड्रॉ नहीं करना है ऑब्वियसली, तो उसके लिए थोड़ा सा और टाइम दीजिए खुद को, 5-10 मिनट्स लीजिए और आप सोचिए कि आपको एग्जैक्टली बनाना क्या है, सबसे यूनिक आइडिया क्या होगा। अभी सर ने जैसे बताया कि 40,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपका 5th आइडिया, 10th आइडिया, 15th आइडिया, थोड़ा आपको खुद को टाइम देना चाहिए वो सोचने के लिए। मतलब अगर कोई क्वेश्चन है तो उस पे रुक जाओ, ठहर जाओ, उसके बारे में सोचो, जो सडनली आइडिया, स्टूडेंट्स वही गलती करते हैं कि जो सडनली उनके दिमाग में फर्स्ट आइडिया आ जाता है वो ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, कलर करते हैं और उनका काम हो गया राइट। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को पकड़ा है कि फर्स्ट आइडिया को मत पकड़ो, उसके बारे में और ब्रेन स्टॉर्मिंग करो बेसिकली, और उसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मतलब यू कैन, मैं उसको और सिंप्लीफाइड कर दूं तो रफ पेपर लो, रफ पेपर पे वो सारे आइडियाज के छोटे छोटे ड्राइंग करो कि किस तरह से ड्राइंग होगा, और फिर उसमें से जो बेस्ट लगता है 10 15 20 डिजाइन बनाने के बाद फिर वो एक आइडिया को पकड़ो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको ये एग्जाम अच्छे से क्रैक करनी है राइट। सो इस तरह से आप अपने आइडियाज को डेवलप कर सकते हो। और थोड़ा बेसिक में जाओ तो जैसे कि आपने बोला कि ये क्वेश्चन पेपर पुराने जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन पेपर इजीली गूगल पे अवेलेबल होते हैं कि कोई पर्टिकुलर कहीं जाना होता है, या स्टूडेंट से मंगवाने पड़ते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, या कॉलेज प्रोवाइड करता है? स्टूडियो टेस्ट के लिए जो पेपर्स होते हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट होता है उन क्वेश्चंस का, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए आप किसी को पूछ सकते हो, सीनियर्स को। फिर एक बुक आती है अरिहंत की, निफ्ट प्रेपरेशन की, उसमें आपको सारे पार्ट ए के पेपर्स मिल जाएंगे। फिर पार्ट ए के पेपर्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू फाइंड, लेकिन जो ड्रॉइंग सिलेबस के पेपर्स होते हैं आप खुद ही बना सकते हो क्वेश्चंस, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, खुद के आइडियाज लगा के कि क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, अगर आपको एक क्वेश्चन मिल गया उसके बना सकते हैं। मतलब आपको बेसिकली गूगल वगैरह से ये इंफॉर्मेशन निकाल के आप खुद के क्वेश्चन पेपर्स निकाल सकते हो, डिफरेंट जहां से जो मिल रहा है सीखने के वो मिक्स करके यू कैन क्रिएट योर ओन सिलेबस ऑल्सो राइट। यस तो इस तरह से, और इम्पोर्टेंट इसमें और एक फैक्टर मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये प्रिपरेशन करने के लिए आपने कोचिंग किया होगा, तो वो कोचिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या कोई स्टूडेंट है वो अपने आप भी सीखना चाहे, जो आपने प्रोसेसेस बताया उससे वो सीख सकता है? आई थिंक मैं ज़्यादा थोड़ी पैरानॉइड थी कि मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या करना है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अपने हिसाब से भी कर सकता है क्रैक, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको खुद के ऊपर मोटिवेशन चाहिए, शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड कि मैं रोज बैठूँ और रोज थोड़ा थोड़ा काम करती रहूँ। अगर आप वो नहीं कर सकते तो क्लास ज्वाइन करिए और उधर आपको जाना ही पड़ता है, खुद को फोर्स कीजिए कि मुझे आज इतना काम करना है और मैं उतना आज काम करूंगी। राइट मतलब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि सेल्फ मोटिव, कोई क्लास में भी जाएगा बट उसका एटीट्यूड नहीं रहेगा उस तरह से तो वहां जाके भी वो टाइम वेस्ट ही करेगा राइट। और जिसको सीखना है वो घर बैठ के भी सीख सकता है। ओनली आई थिंक जो बचपन से लेके अभी तक किया हुआ है आर्ट का प्रैक्टिसेस वो बहुत ज्यादा हेल्प करता होगा इजी वे में आपको ये करें एक्सप्रेस करने के लिए राइट, इन दैट मीडिया, वो एक फैक्टर आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाता है राइट। इसके अलावा फिर अभी स्टूडियो टेस्ट पे आते हैं, स्टूडियो टेस्ट में प्रैक्टिसेस के लिए आपको फिर वेट मीडिया भी यूज करना पड़ता होगा, या क्या एग्जैक्टली उसमें मीडियास के प्रैक्टिसेस करनी चाहिए,
और कोई एग्जाम्पल अगर हो कि किस तरह के सवाल आते हैं। थ्रू टेस्ट में मोस्टली क्वेश्चन सिर्फ पेपर मॉडलिंग के हिसाब से होते हैं. इट इज नॉट पेंटिंग या फिर नो वेट मीडियम इज यूज. ओनली पेपर की वेरियस फॉर्म्स आर यूज, मतलब उसका ओरिगामी करके कुछ बनाइए, फिर पेपर मॉडल्स बनाइए. तो जो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आई वाज नेक्स्ट सिचुएशन टेस्ट के लिए डे वन पे गई थी मैं. तो मेरा क्वेश्चन आया था कि मुझे डिपिक्ट करना है 3D मॉडल बना के एक्साइटमेंट, प्लेफुलनेस या फिर जॉय, तीनों में से कुछ मुझे डिपिक्ट करना था 3D मॉडल बना के. तो मैंने बस पेपर का एक मॉडल बनाया था. तो मेरा जो मॉडल मैंने पर्सनली बनाया था उसमें मैंने दिखाया था एक्साइटमेंट. तो थोड़ा सोचने के बाद मुझे आइडिया आया कि आई एम ट्राइंग टू शो द एक्साइटमेंट ऑफ गेटिंग इन टू निफ्ट, कि अगर मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया तो मुझे निफ्ट में जाते आएगा. तो मुझे उसका एक्साइटमेंट था. तो बहुत बच्चे इसको लेके नर्वस हो जाते हैं कि एग्जाम है, तब एक्साइटेड थी. तो वो दिखाने के लिए मैंने उसके बारे में मॉडल बनाया था. तो मोस्टली पेपर बेस्ड मॉडल से बनते हैं. अच्छा, तो बेसिकली आपको ओरिगामी और जो पेपर से जितनी चीजें आप बना सकते हो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, राइट? स्पेशली इन निफ्ट। और यही एनआईडी के लिए करना है, तो वहां पर तो मटेरियल कुछ रहता नहीं है, मतलब कुछ भी चीजें वो दे देते हैं जहां तक मैंने सुना है, और उसके बाद आपको आपकी क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ती है, राइट? तो बट निफ्ट का शायद से आसान है कि आपको पेपर वर्क ही करना है, पेपर से चीजें बना के वो रिप्रेजेंट करनी है, राइट? सो दैट्स गुड थिंग। यस इसके अलावा और कोई चीजें हैं जो हम मिस आउट कर रहे हैं इस एग्जाम से रिलेटेड? एग्जाम की मतलब ऑलमोस्ट पहले 20 से 30 मिनट मिलते हैं एग्जाम हॉल में. तो उस टाइम में आपको सोचना भी होता है और एग्जीक्यूट भी करना होता है. तो आपका स्पीड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आप कैसे कितने क्विकली आइडिया फॉर्म करके उसको बनाते हैं, दैट इज अ वेरी ओके, तो क्विकनेस बढ़ाने के लिए स्केचिंग प्रैक्टिस या रेगुलर आर्ट का प्रैक्टिस अगेन, राइट? वो इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स ग्रेट। इसके अलावा आप कुछ बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को भी कोई मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि उनको हेल्प मिल सके कि आर्ट रिलेटेड फील्ड में भी करियर है एंड और कुछ करना चाहिए? पर उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, आपकी अभी फ्यूचर प्लान क्या है? व्हाट यू आप एग्जैक्टली 4-5 सालों बाद या 7-8 सालों बाद खुद को कहाँ देखते हो, एज एन एक फैशन डिजाइनर, या खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने का सोचा है, या कुछ और आपने डिसाइड किया हुआ है, उसके बारे में भी मैं हम लोग जानना चाहेंगे। यस सर. तो अभी आई विल जस्ट गो इन फर्स्ट ईयर अभी निफ्ट कॉलेज में. तो निफ्ट के 4 सालों के बाद आई वाज होपिंग कि अभी तो मैंने फैशन कम्युनिकेशन चूज किया है. उसके बाद आई थिंक वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू डिसाइड आगे करना क्या है. तो कॉलेज में तो इंटर्नशिप्स वगैरह होते ही है, लेकिन कॉलेज होने के बाद फुल टाइम वर्किंग ऐसा फिर को एक्सपोजर मिलता है कि क्या क्या हो सकता है. सर पहले की डिजाइन बहुत ज्यादा ओपन फील्ड है, तो आप कोई भी उसका कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं आगे जाके. तो थोड़े से वो एक्सपीरियंस के बाद और मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि मुझे एग्जैक्टली पिन पॉइंट क्या करना है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू फाइंड आउट टू कि क्या क्या हो सकता है. अमेजिंग क्लियरिटी है, एटलीस्ट आप इतने तो क्लियर हो कि क्या उसके स्टेप्स है, क्या स्टेप से जाना है, तो डेफिनेट सक्सेस मिलेगा। जैसे आपने ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों कि पहले तो आप कॉलेज में एंटर कर लो, उसके बाद साइमल्टेनियसली कहीं पर आप जॉब करो या किसी स्टार्टअप के साथ या एस्टेब्लिश फर्म के साथ जुड़ो, वहां पर काम करने का तरीका सीखो, क्या करते हैं, क्या क्या डिजाइनिंग रिलेटेड पॉसिबिलिटीज है वो वहां पर ढूंढो, और उसके बाद फिर खुद का कुछ करने का सोचो, राइट? इट्स एन अमेजिंग पॉइंट। सो क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली पेरेंट्स के लिए जो जिन्होंने मतलब इस फील्ड में बच्चों के लिए करियर सीरियसली सोचना चाहिए? जब हम सोचते हैं कि आर्ट रिलेटेड करियर, तो सब एक डब्बे में फंस जाते हैं कि सिर्फ फाइन आर्ट्स होता है, सिर्फ आर्टिस्ट बन सकता है कोई स्टूडेंट. उससे बहुत बड़ी फील्ड है ये. यू कैन बिकम एन आर्टिस्ट, डिजाइनर, आर्किटेक्ट. देयर आर लॉट्स ऑफ वेज एंड इट्स अ वेरी ह्यूज फील्ड. अभी तो ये बूमिंग मार्केट है डिजाइनिंग का और आर्किटेक्चर का. तो इट इज अ वेरी वेरी सीरियस फील्ड एंड इट डिपेंड्स आप इसे कैसे अप्रोच करते हैं. अगर आपने फील्ड के मतलब अगर आपको इस फील्ड से प्यार है तो आप आराम से इसमें सक्सीड कर सकते हैं. दैट्स ग्रेट। चलो, आपका कोई बहुत मजा आया है सारी बातें सुन के, इतने कम उम्र में इतनी मैच्योर्ड बातें मुझे सुनने मिल रही है, और डेफिनेटली दर्शकों को भी बहुत मजा आएगा ये सब देखने में। आपका कोई यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज है जहां पर हम आपके आर्ट वर्क या आपने जो आर्ट वर्क क्रिएट किया है वो देख सके सारे स्टूडेंट्स? इज देयर एनी? मैं इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाया है, इट्स कॉल्ड आर्ट बाय अनुजा. ओके, तो दोस्तों आर्ट बाय अनुजा,
ये आपके स्क्रीन पर उसका पेज का स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहा है एंड यू कैन सी हर आर्ट वर्क्स ऑल्सो राइट। सो इस पेज को डेफिनेटली फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए सारे आर्ट वर्क पे कि आपको कैसे लगा। एंड इवन अबाउट दिस वीडियो ऑल्सो यू कैन शेयर योर व्यूज टू दैट अकाउंट अगेन। ओके सो थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू शेयर अनुजा जी? सर आई थिंक आपका बहुत बड़ा हाथ था इसमें, क्योंकि अरे ये बचपन से इसके लिए आपने नहीं मुझे पूछा था मोटिवेट किया है कि मैं आर्ट मैंने। करूं। थैंक्स सर, लेकिन ये जेन्यून रिएक्शन है मेरा। नो इट्स एक्चुअली ऑल योर एफर्ट्स बेटा, बहुत सारे। अभी मेरे पास तो मतलब मैं अगर काउंट करते बैठू तो मैंने अभी रफली आइडिया निकाला था 15 से 20 हजार स्टूडेंट है जो आर्ट रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखे हैं, बट उसमें से बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आर्ट रिलेटेड अपना करियर भी चूज करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपने तो मेहनत की है बट पेरेंट सपोर्ट जहां तक मैं देखता हूँ वो बहुत मैटर करता है। अगर स्टूडेंट आर्ट रिलेटेड फील्ड में जाना चाहता है और अगर आपको पेरेंट सपोर्ट कर देते हैं दोस्तों, आप उनका बस एक हाँ, और जैसे अनुजा जी ने बोला कि यार आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आपको आर्ट रिलेटेड फील्ड में करना है तो आप पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सकते हो राइट। पर पहले आप खुद को क्लियर होना चाहिए कि वो करना है और आपने वो करके दिखाया। एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर पेरेंट्स ऑल्सो कि उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और आप भी उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे और इस तरह का एक बिग अचीवमेंट आपको मिला राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी एंड बहुत सारा प्यार। थैंक यू। थैंक कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच अनुजा जी फॉर कमिंग हियर। यू सर। यस, और मिलते हैं फिर से जब आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो जाएगा तो कॉलेज के एक्चुअल एक्सपीरियंस भी हम लोगों को सुनने मजा आएगा। सो डेफिनेटली फिर से एक बार हम लोग पॉडकास्ट करेंगे वंस यू स्टार्टेड कॉलेज लाइफ एंड ऑल। ये थोड़ा सा साल भर 2 साल आप एक बार सीख लो उसके बाद, एंड वो भी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली स्टूडेंट्स को हेल्पफुल रहेगा। और जब कुछ बड़ा करोगे तभी भी मत भूलिए, तभी यस भी हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, थैंक यू सो यस सर, मच। यस बाय। बाय सर।